हे एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, होप करते आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं टशीगंग विलेज। तो अभी मेरे साथ दीदी, पड़ोसी आंटी और मम्मी पापा है। तो आज हम जा रहे हैं टशीगंग विलेज। तो टशीगंग विलेज हम क्यों जा रहे हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ। जो हमारा गाय है वो है टशीगंग विलेज में, तो आज हम उसको लेने जा रहे हैं और साथ में आप सभी को टशीगंग विलेज भी दिखाएंगे और गेटे विलेज भी दिखाएंगे। तो काफ़ी हाइट पर है वो विलेज। तो बाकी रहे पापा, तो अभी हम निकल पड़े अपने गांव से टशीगंग विलेज के लिए। तो बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ब्लॉग को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गेते गांव। तो यहां पर 2-3 घर ही है और इस पहाड़ के नीचे की गांव है। तो मेरा गांव है कि विलेज, और बाकी वहां पर ऊपर देखो, वहां पर 2 है कि 3 घर है। तो वो देखो, दिख रहा होगा आप सभी को कैमरे में अच्छे से, ये देखो यहाँ पर 3 घर है। तो अभी यहाँ का व्यू एंजॉय करो और आगे चलकर आप सभी को मैं याक दिखाऊंगी, स्पीति याक, और उसके बाद हम सीधा टशीगंग चले जाएंगे। तो व्लॉग में बने रहे। तो यहाँ देखो याक, देखो याक, मैं गाड़ी से उतर के दिखाती हूँ आप सबको। यहाँ पर देखो ब्राउन कलर का याक है और ये घास खा रहा है। देखो मतलब याक वहाँ, देखो कितना खतरनाक सीन है इसका। मतलब यहाँ पर बहुत सारे याक है, यहाँ देखो, और यहाँ पर भी है। तो अभी इस टाइम भी थोड़ा बहुत घास होता है, तो इन लोगों को यही रखते हैं। और दिसंबर की लास्ट में जो याक वगैरह है, जिनके होते हैं याक वगैरह, मतलब हमारे तो नहीं है, वो लोग आते हैं याक को फिर यहाँ से ले जाते, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो अभी चलते हैं हम उस याक के पास। यहाँ की याक दिखने में बहुत ज़्यादा डरावने होते, बट ये नहीं मारते इंसान को। यहाँ देखो, ये डरफोक होते बहुत ज़्यादा। इतने सुंदर सुंदर याक है ना। यहाँ देखो वाइट कलर का, और ये जो वाइट कलर के याक होते, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं वाइट कलर के याक को। जो मतलब बिल्कुल पूरा वाइट होता है, उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और यहाँ पर ब्लैक कलर के, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर के याक है। बाकी वो रही हमारी गाड़ी, तो हम यहाँ पर उतर के याक देख रहे थे। बाकी आज हम आए हैं, जो हमारा जर्सी गाय है, वो जर्सी गाय को हमने यहाँ पर रखा था पिछले गर्मियों में। तो यहाँ पर घास भी बहुत ज़्यादा होता है खाने के लिए। तो अब ठंड का महीना है, तो हम उसे वापस लेने आए हैं। तो अभी हम सब जाएंगे लेने। मम्मी बोल रहे हैं ब्राउन कलर की याक है, ब्लैक कलर का, वाइट एंड ब्लैक। बाकी अभी हम याक देख रहे हैं, याक और यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबने याक भी देख लिया। तो वैसे मैंने लादरच वाले व्लॉग में बताया था याक, तो अभी हम जा रहे हैं अपने गाय को लेने। तो चलो चलते हैं पहले। दोस्तों, ये गांव है टशीगंग गांव, टशीगंग। तो सिर्फ 7 घर है यहाँ पर, वो भी पुराने जमाने के। तो घूंगा अभी के एक जगह पर, सर्दियों में भी यहाँ पर लोग बैठते हैं। और यहाँ पर दुकान बिल्कुल भी नहीं है, ना सब्जी का दुकान। तो कासे से लोग खरीद के लाकर स्टॉक एक ही बार में बहुत ज़्यादा लाते हैं, फिर यहाँ पर उसी से अपना जुगाड़ करते। तो यह है टशीगंग गांव। तो यहाँ से जो परे साइड लंगजा गांव भी दिखता है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत ही दिखता है। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो, कितना ज़्यादा सुंदर है। तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो देखो, ये है वो गाँव, टशीगंग गाँव। बाकी वहाँ पर स्तूपा है, देखो स्तूपा, ये रहा स्तूपा। और वो परे लंगजा गांव है, वो तो वो थोड़ा सा छोटा सा ही दिख रहा है, तो वो लंगजा गांव है। और ये यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं टशीगंग गांव। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा। तो इस गांव में भी हमारा खेत है, तो मुझे उतना याद नहीं है, मैं सिर्फ 2 बार ही आई हूँ। तो अभी ये मेरा 3rd टाइम है यहाँ पर आना। तो हमारा खेत भी है साथ में, हम अपना खेत भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। दीदी ने नहीं देखा तो इसको दिखाएँगे। और बाकी वहाँ ऊपर पुराने ज़माने का 3 स्तूपा है, एक है ग्रे कलर या ब्लैक कलर में, और एक है रेड और एक है वाइट। तो अगर मैं ऊपर गई तो मैं आप सबको दिखाऊंगी वहाँ से। और बाकी ये है टशीगंग गांव, तो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये नीचे सिर्फ 7 घर है यहाँ पर। तो सर्दियों में भी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मतलब कैसे रह लेते होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। ना दुकान, ना ऐसी हरी भरी सब्जी यहाँ पर मिलती है, काजा से लाना पड़ता है वो भी। तो बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके।
तो चलो आगे देखते हैं, बने रहे आप लोग आगे व्लॉग में। यहाँ पर देखो कांटे, इतना बड़ा कांटा मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। मतलब इसमें आग जलाएंगे तो मस्त मस्त आग सेकने को है यहाँ पर। अभी चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ पुराने ज़माने के 3 स्तूपा दिख रहा होगा आप सबको, तो वहाँ चल के दिखाऊंगी मैं आप सबको। ये देखो ये है वो 3 स्तूपा। तो सांस फूल गई मेरी, यहाँ नीचे से आई थी मैं वो परे रोड से, तो ऑक्सीजन की कमी है। बाकी ये देखो 3 स्तूपा, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। एक है ग्रे कलर में और एक है रेड और एक वाइट। और बाकी यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ है। और वहाँ पर देखो बर्फ। बाकी चलो थोड़ा ऊपर चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों मतलब स्तूपा के नीचे ये सींग रखने का मतलब कुछ तो मतलब होगा, तभी लोगों ने रखा होगा। तो मैंने मैक्सिमम जगह में देखा था, तो कुछ तो यहाँ पर परंपरा होगी, तो रीति रिवाज मुझे नहीं पता, बट ये देखो अच्छे लग रहे हैं। बाकी चलो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाऊँगी मैं, तो अभी हमें नीचे जाना है ऊपर, तो चलो परे चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ऊपर से मैं आ चुकी हूँ और दीदी परी ऊपर से आ रही है। तो मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो मैं आप सबको बताती हूँ। आप सबको पता है कि मैं पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और उसके बाद मैं ठीक होकर दोबारा घर आई। तो घर आने के बाद 3-4 दिन के बाद मैं फिर से बीमार हो गई थी, और जुकाम हो गया था मुझे थोड़ा, तो गले में फिर से दर्द, नाक बहना स्टार्ट हो गया था, और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द करना, मतलब सुबह शाम रात को कभी मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता, मुझे सोने भी मतलब नींद भी नहीं आता था मुझे तो अच्छी तरह से, और इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आए। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ, डेली नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं, 2 या 3 बार मैं ज़रूर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो देखो यहाँ पर स्तूपा भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्तूपा है यहाँ पर। और बाकी अभी मैं पहुँच चुकी हूँ इस गांव में, तो यहाँ पर गाय को रखते हैं, तो ये सारा गोबर है। बाकी ये मकान नया बना हुआ है, और बाकी ये सारे मतलब पुराने ज़माने के मकान हैं, तो भी आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो बाकी वो रही नीचे हमारी गाड़ी, और वो रही मम्मी और पड़ोसी आंटी। तो चलो अभी नीचे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा चश्मे का पानी, तो मेरा मतलब गला बैठ गया, तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चश्मे का पानी है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों अभी ऊपर से एक आंटी है, हमें बुला रहे हैं चाय पीने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और चलो चलते हैं चाय पीते हैं पहले। तो बाकी ये गुंडू पहना है मैंने, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, और अभी भी मेरा जुकाम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने ये गुंडू पहन के रखा हुआ है और ये जैकेट। चलो चाय पीते हैं। यहाँ पर देखो गाय का खुर है, मतलब दिन को गाय को यहाँ रखते हैं और शाम के टाइम अंदर रखते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर। यह है पुराने ज़माने का घर, आप देख सकते हैं छत लकड़ी का बना हुआ है, तो मिट्टी का घर है ये, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। चप्पल निकाल देती मैं अपना। ये रहा शाह। तो अभी दादी ने हमें शाह दिया है खाने के लिए, तो शाह मतलब दही, तो ये है दही। अभी मैं दही के साथ सत्तू डाल के खाऊंगी। ये रहा सत्तू, तो अच्छा होता है दही और सत्तू खाना। तो दोस्तों दादी के घर में अच्छा लगा, चाय पिया। तो ये जो घर है कितना साल पुराना है मैं आप सबको बताती हूँ। तो 1970 में ये घर बना है, तो मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना पुराना घर है। तो इससे भी पुराने पुराने घर होते हैं यहाँ पर। तो बाकी अभी हमने चाय चुई पी लिया, तो अभी हम चल पड़े गाय देखने। तो पापा को टशीगंज में गाय नहीं मिला, तो दादी कह रहे थे जो गाय वगैरह है वो गेते में चले गया, तो मतलब इससे पिछले वाला जो गांव है, तो मैंने आप सबको बताया था, तो वहां पर चले गए सारे गाय। तो अभी हम गेते जाके देखेंगे अपना गाय और उसको घर ले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गेते, तो ये रही गाड़ी, तो चलो चलते हैं गेते। बाय बाय टशीगंज।
तो दोस्तों हम गेते नहीं गए तो हम टशीगंग से सीधा हम ठीनम आ चुके हैं, क्योंकि ठीनम में भी हमारा खेत है। तो मैं एक बार आई हूँ, मैंने देखा, बट मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो मम्मी पापा को याद है कि खेत कहाँ है, तो ऐसा होता है कि दिखाना पड़ता है। तो हम दीदी को दिखाने आए कि ये हमारा खेत है, क्योंकि कल दिन को मतलब पता तो होना चाहिए। तो कल दिन को खेत खूत लगाएंगे तो इसको पता होना चाहिए कि खेत कहाँ पर है। तो इसको दिखाने के लिए लाए हैं हम अपना खेत। तो अभी हमें ये नहीं है, कांटे कांटे लगे हुए हैं, तो ये तार क्रॉस करके अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं अंदर। हे पापा, तो ये जो पापा चल रहे हैं, ये लाइन यहाँ से इस तार से लेकर ये पूरा लाइन वो परे तार तक हमारा खेत है। तो दोस्तों हम जाते जाते इस बोरी में क्या बोलते हैं गोबर भी उठाते जाएंगे, तो क्योंकि सर्दियों में आग जलाने का काम आते हैं गोबर। तो पुराने ज़माने में यहाँ लकड़ी बिल्कुल भी नहीं होती, तो यहाँ के लोग गोबर से जुगाड़ करते थे, मतलब पूरी सर्दी गोबर से आग जला के निकालते थे। तो आज हम लोग भी गोबर निकालेंगे क्या चुकेंगे। तो चलो, यहाँ पर मुझे एक गोबर मिला है तो मैं बोरी में डाल देती हूँ। तो दोस्तों इतनी तेज़ धूप में और मतलब बीच बीच में हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही, तो मतलब गोबर चुकने आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो बाकी चलो करना तो पड़ेगा ही, सर्दियों में आग जलाना पड़ेगा, इसलिए गोबर तो चाहिए। तो बाकी यहाँ देखो मैंने इतना गोबर चुका है, तो अभी यहाँ पर एक और गोबर है, तो अभी मैं उठा लेती हूँ इन सबको। तो बाकी आंटी वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो पड़ोसी आंटी हमारे साथ हमारा गोबर चुकने हेल्प करने के लिए आए हैं, और बाकी मम्मी पापा दीदी सब गोबर चुक रहे हैं। तो चलो चुकते हैं गोबर। ये रहा गोबर, तो अच्छा मानते हैं गोबर को, तो गोबर की लिपाई वगैरह करते हैं हम। तो गोबर चुगने में कोई बुराई की बात नहीं है, कोई छी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोबर को शुद्ध मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो चलो उठाते हैं बोरी को और निकलते हैं। तो अभी हमने 3-4 हाफ बोरी भर लिया है गोबर। तो अभी जो ये गोबर है ये इस बड़े वाले बोरी में इकट्ठा कर रहे हैं, और ताकि बोरी हमारे को मिल जाए। तो बाकी बोरी नीचे दी थी मेरे मुँह से मटर निकल रहा है, गोबर चुक रही है। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा निकालेंगे, होगा तो गोबर नहीं चुकेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे आगे। तो बाकी आप मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने पानी भी नहीं लाया, तो मतलब सारा गला सूख गया, मतलब चढ़ाई है ना तब करके। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब तो धूप भी छिपने वाली है, तो बाकी मेरे हाथ में रस्सी है, पापा इससे पीठ पे चक के ले जा रहे हैं जो क्या बोलते हैं गोबर की बोरियां वगैरह, और बाकी मम्मी और हम वगैरह गोबर चुक रहे हैं। तो अभी हमने टोटल 5-6 बोरियां हमने भर दी है, तो बाकी अभी भी चुग ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो मम्मी वो परे रही दीदी, तो ऊपर से पानी भी नहीं लाया, तो मतलब सारा गला सूख रहा है। तो चलो निकाल चुगते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से ना मटर ही मटर निकल रहा है, गोबर चुगते हैं। बाकी गोबर निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। तो अभी पी रहे हैं मम्मी यहाँ पर चश्मे का पानी, यहाँ देखो प्योर चश्मे का पानी। तो ये पानी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मीठा मीठा। तो अभी मम्मी पी रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ पर चश्मे का पानी है ना वहाँ पर हरे भरे घास भी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी यहीं से पानी पियेंगे, तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ना, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो सारा रस सूख गया है। हाँ मैं सोचा पर पानी पी लेती पहले। मैंने बोला था ना जहाँ पर चश्मे का पानी है वहाँ पर हरे भरी घास है, तो बाकी ये हाथ धो रही है पूरे चश्मे का प्योर। तो अच्छा होता है ये पानी, तो देखो यहाँ अंदर से आ रही है पानी, ये देखो देखो गोबर कैसे घुस गया है। तो मेरे हाथ में भी गोबर गोबर लग गया है, बट आप गोबर अभी धोते हैं हाथ। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में गोबर लग गया, तो अभी मैं हाथ धो रही हूँ। कितना स्ट्रगल लाइफ है, देख सकते हैं आप, नेल्स मैंने ऐसे लंबे किए ना, नेल्स मिट्टी देते हैं अच्छे से हाथ। तो अभी मैं पी रही हूँ पानी, बहुत ठंडा पानी है।
तो गाइस मम्मी पी रही है पानी। स्ट्रगल देखो स्ट्रगल, स्पीति में जीना कोई आसान काम नहीं है। स्प्रिंग वाटर। अभी पापा आ गए, पापा भी पियेंगे पानी। नेचुरल पानी है ये, मतलब पूरा जमीन के नीचे से आता है ये पानी। यहाँ देखो, ये देखो इसके नीचे से आ रही है पानी। अभी पापा ने लाया है मग, तो अभी इसमें भर के पीऊंगी क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं पिया पानी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो हाथ पूरे ठंड गए। नेचुरल वाटर। कैमरे की तरह लग रहा था जब पापा पर इसे ला रहे थे, तो मुझे भी लगा ये कैमरा है, बट कैमरा नहीं है। जब पापा ये इसको दूर से ला रहे थे, मैंने सोचा कैमरा में, पापा आपको कैमरा कहाँ मिला? पापा ने बोला कि कैमरा नहीं है, ये मग है। तो देख सकते हैं आप लोग कैमरे की तरह ये बिल्कुल, ये देखो बटन वगैरह, ये देखो। अभी अम्मा इन पे ना, ये पे रखो, ये देखो। तो अभी साइड पे लेके आनंद लेके पीते हैं पानी। सुकून सुकून मिला पानी पी के। मेरे चप्पल में घुस गया कांटा। दुपा पापा देख रहे हैं। इर 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 साचो पापा इरो। अरे थंडर की सामान सासे। ये मेरे ये थूबू। दुपा सामान सासे। अभी मेरे चप्पल में कांटा देख रहे हैं। दुपा कौन है चीज? दुपा ठंडा ठंडा मुझे और पानी पीने का, पानी पी के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बाकी यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो पुराने ज़माने में यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी आता था चश्मे का, तो अब मतलब कलयुग है, ज़माना चेंज हो, तो मतलब बहुत कम पानी आ रहा है यहाँ पर। तो मम्मी बोल रहे थे कि पुराने ज़माने में यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी आता था, तो मतलब आता होगा क्योंकि यहाँ पर हरे भरे घास और ऐसे बड़े बड़े दिखाती हूँ। ये है वो पानी, तो यहाँ पर बहुत कम पानी है, तो पुराने ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता था। आप सब देख सकते हो इतने उबड़ खबड़ में घास हो, तो पुराने ज़माने में मतलब ये पूरा भरा होता था पानी से। तो मतलब अब देखो अभी उतना पानी नहीं है, तो चलो करते हैं अपना काम। तो दोस्तों अभी दोस्तों हम आए तो थे गाय लेने, बट हमने साथ में गोबर भी चुका, तो गोबर हमने 7-8 बोरी चुग लिया। तो अभी पीछे मतलब गोबर से आधा पूरा जगह भर चुका है, तो गाय आने के लिए जगह ही नहीं है। तो अब गाय को हम लेने आएंगे किसी और दिन, तो आज हम जा रहे हैं घर क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए। तो बाकी चलो चलते हैं घर। दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने घर, तो बाकी रहा कि मैदान और हरियाली भी चली गई है, तो आज का व्लॉग यहीं तक ही होगा। तो बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो जो मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना।